नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो हमारा जो वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ रहे थे उन टॉपिकों की एक एक करके मैं वीडियो बना रहा था। तो आज की हमारी वीडियो होगी वो होगा मुदालियर आयोग, जो 1952 और 53 में आया था मुदालियर आयोग, उसकी बात किया जाएगा। इससे पहले अगर आप राधा कृष्णन आयोग वाला जो कमीशन वाला वीडियो बना है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा के नाम से, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्राइमरी सुपरटेट या किसी भी, चाहे BTC DLED जो भी कर रहे हैं, BED भी में भी आता है, तो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सुपर टेट के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। ये आयोग जो है 1952-53 में आया था। अब देखिए, इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, तो इससे ये भी समझ आ गया कि ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड ये आयोग होगा। इससे पहले हमने जो राधा कृष्ण आयोग पढ़ा था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से, विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था, उससे जो भी बातें कही गई थी उसमें थी। और ये दूसरा जो आयोग है, और ये है स्वतंत्रता के बाद दूसरा आयोग जो कि माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस ये भी कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए पहला आयोग था, और इस तरह से अगर आप कह सकते हैं तो दूसरा शिक्षा आयोग था शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए। तो चलिए इस माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 14वीं बैठक 1948 में हुई थी, और उसमें सिफारिशें की गई थी कि एक माध्यमिक शिक्षा के जांच के लिए, सुधार के लिए, सुझाव देने के लिए एक आयोग की स्थापना किया गया है। 1948 में ही किया गया था, मतलब प्रयास किया गया था, लेकिन जिससे तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा पद्धति में सुधार और उसकी जांच करने वाली समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया जाए, ये उस समय कहा गया था। लेकिन हुआ क्या था कि उस समय जो इस पर काफ़ी फोकस नहीं दे पाया, दिया जा सका, क्योंकि अभी भारत जल्द ही स्वतंत्र हुआ था तो उतनी मजबूती नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी, तो उस पर फोकस नहीं किया गया था। फिर उसी बोर्ड ने आगे चलकर जनवरी 1951 में पुनः अपनी मांग को दोहराया, और फिर जाकर उस पर फोकस किया गया, और 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग कह सकते हैं। आगे देख समझते हैं, ध्यान रखिएगा, 52 में गठित किया गया था और 53 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये ध्यान रखिएगा, 52-53 से यही बात है। उसके बाद आगे समझिएगा थोड़ा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आयोग के कुछ सदस्य मेंबर ऑफ कमीशन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो इसके अध्यक्ष थे, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग इसको कहा जाता है। तो हालांकि जांच के लिए, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए गठित किया गया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, अध्यक्ष जो थे तो मुदालियर आयोग, ज़्यादातर नाम अध्यक्ष के नाम पर ही होता था उस आयोग का। प्राचीन काल में ये व्यवस्थाएं थी, समझ ही सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इनके रिलेटेड सदस्य थे, जैसे डॉक्टर कालूलाल माली, उसके बाद श्रीमती हंसा महता, डॉक्टर केनेथ स्टड विलियम, जॉन क्रिस्टी और श्री के जी सैयदेव, श्री जे एल तारापुरवाला और श्री एम टी व्यास, डॉक्टर एन ए वसु, ये 9 जो है कुल मिलाकर इसके सदस्य थे जो ये आयोग माध्यमिक शिक्षा के जांच के लिए गठित किया गया था। उसमें कुल 9 मेंबर थे, हालांकि ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा उसके अध्यक्ष जो थे उन्हीं का नाम ज़्यादातर पूछता है। अब इस आयोग के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को समझते हैं काफ़ी सरल भाषा में। देखिए, जैसे इस आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था कि माध्यमिक शिक्षा का निरीक्षण करना इसका कार्य था, और शिक्षा में संबंधी सुधार हेतु सुझाव देना इसका दूसरा उद्देश्य था, कि आपको माध्यमिक शिक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस समय के अकॉर्डिंग उसकी जांच करना, और उसमें जो भी कमियां दिखे आपको, आपको सुझाव के
रूप में हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए इस आयोग का मुख्य उद्देश्य आप कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब आयोग की सिफारिशें क्या थे उद्देश्य में उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे इनका उद्देश्य था कि नागरिकों को ऐसी शिक्षा मिले जो उनमें अनुकूलन भावनाओं आचरण का विकास करें, नागरिकों में राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष धर्म में आस्था न रखें दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके और नागरिकों को व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि हो सके, नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये पॉइंट जो है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य के रूप में देखा गया था। और सर्वांगीण विकास का रिलेटेड ये है कि आपके सभी पक्षों का जो हो उसका विकास होना चाहिए, चाहे वो सांवेगिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, जो भी आपके हो उन सभी का जो है विकास होना चाहिए। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। आगे समझते हुए चलते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन के बाद जो इसमें कुछ और भी बातें हैं उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए, इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि जो शिक्षा की अवधि होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि वो 7 वर्ष होनी चाहिए, और वो भी 11 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में जो है 7 वर्ष की होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि। उसके बाद 3 वर्ष जूनियर शिक्षा और 4 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। 3 वर्ष जूनियर शिक्षा का मतलब ये हुआ कि 6वीं से 8वीं तक और उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको 2 पार्ट में इसने बांटने का कार्य किया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। उसके बाद वर्तमान इंटरमीडिएट की कक्षा को समाप्त करना और 11वीं कक्षा को हाई स्कूल और 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए, मतलब जोड़ना एक तरह से होना चाहिए, और डिग्री कोर्स को 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए, जो कि हुआ करता है आपको पता ही होगा, तो वो 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। उस समय माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है ये अपने सिफारिश प्रस्तुत किया था माध्यमिक शिक्षा के गठन के रूप में। उसके बाद कुछ और भी इसके सिफारिशें हैं रिकमेंड हैं जिसको हम समझते हैं। जैसे देखिए बहुउद्देश्य कॉलेजों की स्थापना किया जाए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था किया जाए, बच्चों की जो आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था इसमें किया जाए और अध्यय बधिर मुख व्यक्तियों की शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाए, जो विकलांग प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा की प्रावधान करने की बात इसने कहा था, और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा भी दी जाए। और नाश्ट है कि सरकार उद्योग पर उद्योग कर लगाएं जिससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा में लाया जा सकता है, मतलब इसने उद्योग पर कर लगाने की बात कही थी, जो धन प्राप्त हो उसको टेक्निकल शिक्षा देने में जो है उस धन का उपयोग किया जा सकता है, ये जो है रिकमेंड किया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। उसके बाद टेक्निकल शिक्षा से रिलेटेड इसमें क्या कुछ बातें कही थी उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि टेक्निकल स्कूलों की व्यवस्था किया जाए, खोला जाए हर जगह, और यथासंभव टेक्निकल स्कूल विद्यालय जो होते थे वो कारखानों के समीप ही खोले जाएं, ताकि जब उनको प्रैक्टिस कराया जाए बच्चों को तो उनको वहाँ पर ले जाने में आसानी न हो, ज़्यादा दिक्कतों का सामना न हो, तो जहाँ कंपनियाँ कारखाने हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्कूल खोले जाएं। सरकार उद्योग पर उद्योग कर लगाए जिससे प्राप्त धन शिक्षा में टेक्निकल शिक्षा में लगाया जा सकता है, ये तो बात आगे भी हो गई है। ये टेक्निकल शिक्षा से रिलेटेड जो है कुछ बातें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। उसके बाद शिक्षा का माध्यम और भाषा की बात करें तो इस आयोग ने कहा था कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह मातृभाषा होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड इसने कहा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र होने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था हो वो अपनी संस्कृति और भाषा को महत्व प्रदान करे, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में कुछ और भी बातें इसने कही थी जिसको समझते हैं कि मिडिल स्कूल के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, गायन,
क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा आदि की व्यवस्था जो है पाठ्यक्रम में किया जाए मिडिल स्कूलों के में। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी जो कक्षाएं होती हैं उसके लिए क्या कहा था इसने, तो भाषाएं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हस्तकला, मानव विज्ञान, टेक्निकल, वाणिज्य कला, कृषि विज्ञान और विज्ञान जैसे जो पाठ्यक्रम है उनको सम्मिलित किया जाए हायर सेकेंडरी स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो मिडिल स्कूल के लिए वो व्यवस्थाएं करना चाहिए पाठ्यक्रम में, और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ये जो सब्जेक्ट हैं इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद शिक्षण विधियों की इसने कुछ बातें कही थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसने कहा था कि क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाया जाए शिक्षण कार्य करते समय, योजना प्रणाली अपनाई जाए और यथासंभव विद्यार्थियों की मांग के अनुकूल जो है स्वप्रेरित शिक्षा प्रदान किया जाए। जो बच्चों की मांग उस समय की उत्पन्न हो रही है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान किया जाए, ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो है मुदालियर आयोग ने कहा था। उसके बाद आगे चलते हैं और अन्य सिफारिशें हैं पुस्तक से रिलेटेड उसको समझते हैं। तो पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जाए बच्चों के लिए, और पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन की प्रथा बंद होनी चाहिए, यानी कि जल्द जल्द जो भी पाठ्यक्रम है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में उसको परिवर्तन करना कम कर दिया जाए। कुछ एक बार परिवर्तन हो तो वो कुछ समय के लिए अच्छा तरीके से उसको फॉलो किया जाए, ऐसी बातें इसने कहा था पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड। और विद्वान लेखकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो विद्वान लेखक हैं उनको उसकी लेखनी के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन का मतलब कि पुरस्कार देना चाहिए पाठ्य पुस्तकों से रिलेटेड, ये बातें जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। अब इसने धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड कुछ बातें कही थी उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए धार्मिक शिक्षा शिक्षण के पूर्व या बाद में की जाए, धार्मिक शिक्षा जो है शिक्षण के पूर्व और बाद में किया जाए, करना है तो पहले ही कर लीजिए या शिक्षण के बाद में धार्मिक शिक्षा की बात कर सकते हैं। उसके बाद धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को भी बाध्य न किया जाए कि आपको इसी धर्म में जाकर इसी की शिक्षा, इसी धर्म की शिक्षा लेनी है, ये बाध्य नहीं करना है। और अभिभावकों से अनुमति लेनी आवश्यक होती है, बाध्य भी नहीं करना है और वो धर्म की शिक्षा लेना चाहता है तो अभिभावकों से अनुमति लेना जरूरी था। धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड ये बातें जो है माध्यमिक आयोग ने कहा था। उसके बाद चरित्र निर्माण से रिलेटेड शिक्षा के बारे में कुछ इस आयोग ने कहा था। जैसे देखिए पहला पॉइंट है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का मतलब खेल, व्यायाम, संगीत के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका जो है आयोजन हर विद्यालय में करना चाहिए। उसके बाद 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, 17 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं ना उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये बात जो है मुदालियर आयोग ने कहा था। उसके बाद आगे है कि NCC फर्स्ट एड जूनियर रिक्रूट आदि की व्यवस्था किया जाए। अभी तो NCC व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन जो NCC फर्स्ट एड और जूनियर रिडेक्स आदि की जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसको जो है व्यवस्थाएं उस समय करने की बात जो है मुदालियर आयोग ने कहा था। ये एक अलग ही सिस्टम होता है, इसमें अलग ही तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाता है जिसके लिए सरकार के द्वारा से फंड मिलता है विद्यालयों को, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मार्गदर्शन एवं परामर्श। कुछ इसने कहा था कि विद्यालय समय समय पर मार्गदर्शन करते रहिए, मतलब विद्यालय का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहिएगा। विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के संबंध में छात्रों को पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, जो भी उद्योग जगत के विकास हो रहे हैं उसमें जो भी आगे उनकी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं तो उनके बारे में जानकारी जो है अपने बच्चों को देना चाहिए। और विद्यालय में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलन का आयोजन भी करना चाहिए, विद्यालयों में समय समय पर जीविकोपार्जन का जो सम्मेलन भी करना चाहिए। इससे क्या होता था कि उस समय भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय हुआ करती थी, इसीलिए ये बात जो है मुदालियर आयोग कहा है। और परीक्षा एवं मूल्यांकन से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं उसको समझते हैं। इसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात केवल
एक सार्वजनिक बाह्य परीक्षण होना चाहिए, केवल एक सार्वजनिक जो है सभी को एक साथ बाह्य परीक्षण जो होते हैं वो होना चाहिए पाठ्यक्रम के समाप्ति के बाद। दूसरा पॉइंट, बाह्य परीक्षण परीक्षा से अलग आंतरिक परीक्षा और नियत कालीन परीक्षाएं, विद्यालय आलेख आदि का ध्यान रखना चाहिए अगर आप उस परीक्षण कर रहे हैं तो, जो पाठ्यक्रम जब आपका समाप्त हो जाता है उसके बाद ये बात कर रही है परीक्षा से रिलेटेड। मूल्यांकन अंकों में ना होकर प्रतीकों में होना चाहिए, प्रतीकों का मतलब ग्रेड के आधार पर जो है इनका मूल्यांकन जो है होना चाहिए, ना कि आप अंकों के माध्यम से इनका मूल्यांकन करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट होता है, वर्तमान में ये भी पद्धति अपनाई गई है जो कि उस समय की पद्धति पर बात किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग उस समय बात किया था। उसके बाद आगे चलते हैं आयोग की सिफारिश के, अध्यापक की स्थिति में सुधार संबंधी इसने कुछ सिफारिश की हैं उसको थोड़ा समझते हैं, इसने क्या अध्यापक से रिलेटेड कुछ सिफारिशें की हैं। जैसे देखिए, दो तरह की प्रशिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष और स्नातक व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष स्नातक की जो शिक्षा प्रदान करते हैं प्रशिक्षक उनकी व्यवस्थाएं के बाद 3 वर्ष की जो शिक्षण प्रदान उनको होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष का प्रावधान होना चाहिए, और छात्र अध्यापकों से कोई शुल्क न किया जाए, छात्रवृत्ति भी दी जाए बच्चों से और कोई शुल्क भी न लिया जाए। उसके बाद अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश मिलना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है अध्यापकों से रिलेटेड, जो प्रशिक्षण से रिलेटेड इसने बात कही है मुदालियर आयोग। और एमएड के लिए स्नातक साथ काम कम से कम 3 वर्ष तक का शिक्षण कार्य अनिवार्य होना चाहिए। एमएड के लिए अगर आप एमएड कर रहे हैं तो आपको 3 वर्ष का जो है स्ना 3 वर्ष का शिक्षण आप अनिवार्य कर लेंगे तभी आप एमएड कर सकते हैं, एमएड के बाद जो एमएड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तभी आप एमएड कर सकते हैं, उस समय जो है मुदालियर आयोग ने ये सिफारिश कही थी। अभी इस आयोग के कुछ गुण और दोष को समझते हैं, मेरिट और डिमेरिट को समझते हैं। जैसे इसका पहला गुण है कि शिक्षा समाज के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था, कि शिक्षा को समाज में एक संबंध में जोड़ा जाए, इसका ये प्रयास था पहला। दूसरा था कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में शिक्षा के को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। अब समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था जब माध्यमिक शिक्षा स्तर का जो शिक्षण प्रदान आता है तो उसमें व्यवसायिक शिक्षा भी जुड़ जाता है जब उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। तो यही बात उसने कहा कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में शिक्षा को व्यवसायिक दिशा प्रदान की गई थी और शिक्षण द्वारा बालकों को उच्चतर मानवता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है इस आयोग के द्वारा। अध्यापक राष्ट्र निर्माता होते हैं यह मानकर उनके सुविधाएं देकर महान प्रयास किया जाए, मतलब अध्यापक जो है राष्ट्र का निर्माता होते हैं और उनको उतनी सुविधाएं दी जाए ताकि वो बच्चों का पूर्ण विकास कर सकें अध्यापक लोग। ये इसके गुण थे। और इसके दोष को थोड़ा देख लेते हैं। दोष एक ही है कि रिपोर्ट में सामुदायिक कुप्रथाओं और बुराइयों का संकेत तक नहीं दिया गया है, कि उस समय काफ़ी ये सब बुराइयां देखने को मिलती थी, जो महिला शिक्षा की व्यवस्थाएं उतनी नहीं हो पाती थी, मतलब शिक्षा व्यवस्था समझिए कि काफ़ी दयनीय थी उस समय भारत की, तो महिलाओं को शिक्षा देना अच्छा उस समय लोग नहीं समझते थे। तो ऐसी रिपोर्टों पर अब देखिए, एक धर्म वाले राष्ट्र होता है, जो भी देश होते हैं अगर उसमें धर्म की व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें ये सब शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय होती है क्योंकि वो धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। तो उस समय की जो सामुदायिक प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी धर्म से रिलेटेड, उस पर इस आयोग ने बात ही नहीं किया था, संकेत ही नहीं दिया था। ये इसका एक दोष के रूप में देखा जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के।
तो इसमें हमने पूरा जितने भी हो सके मैंने पॉइंट को कवर किया अपनी तरफ से। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।